गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। क्या सभी के लिए मुफ्त राशन योजना बंद हो गई है? मुफ्त राशन योजना के नए पैरामीटर क्या हैं? मुफ्त राशन के चक्कर में कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाएं? उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुफ्त राशन लाभार्थियों के कौन कौन से मानक तय किए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से समझिए। साथ ही ये भी समझिए कि मुफ्त राशन पॉलिटिक्स का नफा नुकसान क्या हुआ। देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले ये समझिए कि मुफ्त राशन योजना बंद नहीं हुई है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। पात्र और अपात्र के नियम बदल गए हैं। हमारे पास बांदा के जिलाधिकारी के आदेश की कॉपी है। इसमें कुछ योग्यताएं लिखी हैं। जो परिवार इन मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 14 मई को बांदा के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया। ये आदेश उन लोगों के लिए था जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए क्या मानदंड हैं? इसमें ये भी लिखा है, मोटरसाइकिल, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, कलर टीवी और कोई व्यवसाय है तो आप अंत्योदय कार्ड के लिए अपात्र हैं। ऐसे लोगों को आदेश दिया गया कि 7 दिनों के अंदर कार्ड सरेंडर करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गेहूं के लिए 24 रुपए प्रति किलो, चावल के लिए 32 रुपए प्रति किलो, चीनी तेल आदि बाजार मूल्य के हिसाब से वसूली की जाएगी। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि ये आदेश नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अंत्योदय कार्ड धारी हैं उनके लिए था, न कि प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना के लिए। NFS के तहत 3 तरह के कार्ड बनते हैं, APL यानी कि पीला वाला कार्ड, BPL यानी कि सफेद कार्ड और अंत्योदय यानी गुलाबी कार्ड। हालांकि जो प्रधानमंत्री मुफ्त राशन वाले लाभार्थी हैं उनका भी चयन NFS मानकों पर ही हुआ है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को किसी अखबार की कटिंग ट्वीट की जिसमें राशन कार्ड के लिए 7 पैरामीटर हैं, भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मुर्गी पालन, गौ पालन, शासकीय सहायता ना हो, बिजली का बिल ना आता हो, जीविकोपार्जन के लिए कोई और साधन ना हो, ये किस अखबार की कटिंग है इसके बारे में वरुण गांधी ने कुछ नहीं लिखा। लेकिन ट्वीट में लिखा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र, जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनाव में। वरुण गांधी का इशारा प्रधानमंत्री मुफ्त राशन की ओर है। विधानसभा चुनाव के दौरान PM मोदी, CM योगी, अमित शाह समेत BJP का शायद ही कोई ऐसा नेता रहा होगा जिसने इस योजना के लाभ न गिनाए हों। देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन चुनाव के बाद ये योजना बंद होने वाली है। BJP के चुनाव प्रचार में मुफ्त राशन योजना सबसे महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुफ्त राशन योजना परमानेंट नहीं थी। नवंबर 2021 में ये योजना खत्म हो रही थी, लेकिन UP विधानसभा चुनाव की वजह से मोदी सरकार ने इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। उसके बाद 26 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुफ्त राशन योजना 6 महीने यानी कि सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य की ओर से दिए जाने वाले मुफ्त राशन को 3 महीने तक बढ़ा दिया।